गुरसराय में आज थाना दिवस में आए उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र प्रताप ने थाना दिवस की सुनवाई के बाद अचानक से प्राथमिक विद्यालय पहुंच गए। वहां पर चल रहे कार्यकाल निरीक्षण किया और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से बातचीत की और टीचरों को हिदायत देते हुए कहा, बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा खाना उपलब्ध कराया जाए। 15 दिन बाद फिर आकर देखूंगा। उप जिलाधिकारी के साथ अधिशासी अभियंता नगर पालिका मनीष बिधौलिया, लिपिक आसाराम रहे। सर, ये प्राथमिक विद्यालय गुरसराय का जो निरीक्षण किया है, इसमें आपने क्या खामियां पाई हैं और क्या? इसका निरीक्षण किया गया हमारे द्वारा, जो और यहाँ पे जो हमारे अधिशासी अधिकारी है वो भी हमारे साथ थे और उनके कुछ कर्मचारी थे। और क्योंकि ये जो स्कूल है ये कायाकल्प में लिया गया था, इसमें पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है, तो दो उद्देश्य था, एक कि स्कूल के देख लिया जाए कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और दूसरा था कि कायाकल्प में जो काम हुआ वो क्वालिटी पूर्वक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी हमारे पास पूरी फाइल नहीं रखी गई कि इसका जो इसका कॉन्फ़िगरेशन था, जो टाइल्स लगनी थी वही टाइल्स लगी है या दूसरी कोई टाइल्स लगी है, तो इनके लिए इसकी पूरा हम मंगाए हैं, इसकी फाइल्स मंगा लिया हूँ देखने के लिए। और स्कूल के बच्चों से बात की गई, थोड़ा बहुत कमी है बच्चों में, इनको अपना समय दिया गया है कि 15 दिन में अपना इन बच्चों को सुधार लाए, इन बच्चों को जो प्रोग्रेस है वो अच्छी प्रोग्रेस होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 के बच्चे हैं, बहुत बच्चों को अभी हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ने आती, तो उनको बता दिया गया, टीचर सब यहाँ पर मिले हैं और इनको बताया गया कि 15 दिन बाद हम एक बार फिर से इनका निरीक्षण किया जाए, तब तक अपना जो कमियां हैं उसको दूर